नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। अच्छे दिनों का दावा करने वाली केंद्र सरकार का बजट आ गया है। क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी से। जयदीप जी, क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं लोगों के? देखिए जाला जी, आज जो अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया है संसद में, निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत सारे हैशटैग चले हैं अच्छे दिन से, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इससे अच्छे दिन नहीं आएंगे। लेकिन अच्छे दिन आने के लिए जो नींव डलनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो नींव डालने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। बहुत सारे लोग मान के चल रहे थे कि ये लोक लुभावन बजट होगा। पहले देखिए, बजट की एक बहुत ज़्यादा अहमियत हिंदुस्तान में इसलिए होती थी कि बजट से आपको मालूम पड़ता था कि पेट्रोल और डीजल के दाम हिंदुस्तान में कैसे होंगे, गैस सिलेंडर के दाम हिंदुस्तान में कैसे होंगे। आपको बजट के ही जरिए ये भी मालूम पड़ता था कि जो भारत में बाकी सारी चीज़ें हैं बेची या खरीदी जाती हैं, वो सस्ती या महंगी होंगी। और सस्ते महंगे को लेकर आप देखिए कि पहले बहुत ज़्यादा जोर होता था चीज़ों पर, अब पेट्रोल डीजल को और गैस के सिलेंडर को तो मार्केट के हवाले कर दिया गया है, और उसके लिए एक अलग नीति अपना ली गई है। आम आदमी की दिलचस्पी के लिए उसमें बच जाता है, इनकम टैक्स से उसके जो पैसे जा रहे हैं नौकरी पेशा वर्ग के, वो उसमें ज़्यादा बचत होगी, उसकी जो इनकम है उसमें इजाफा होगा या नहीं हो पाएगा। उस दृष्टि से लोगों को थोड़ी निराशा आज जरूर हाथ लगी है, लेकिन आप तमाम वित्त विशेषज्ञों की राय देखें तो उससे यही बात उभर कर सामने आती है कि उन्होंने जो कड़े कदम उठाए हैं और जो अनुशासन लाने की, वित्तीय अनुशासन लाने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर अच्छे दिनों की शुरुआत कही जा सकती है। ऐसा नहीं लगता कि इस बजट के माध्यम से सिर्फ पैसा वसूल करने की कोशिश की गई है या पैसा जुटाने की कोशिश की गई है? देखिए जाला, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनडीए को इतना बड़ा भारी बहुमत मिला था, जनादेश मिला था, तब सभी को लगा था कि अब कोई नीतियां नहीं रुकेंगी और ये आगे चलेंगे, और इन्होंने भी आर्थिक विकास के बड़े दावे किए थे। लेकिन आप जब सुरेश प्रभु जी का रेल बजट देखते हैं कि जिसमें कोई भी नई ट्रेन नहीं चलाई गई है, यात्री किराए को भी न घटाया गया है न बढ़ाया गया है, तब हमको समझ में आता है कि ये सरकार किस दिशा में सोच रही है। जैसे अरुण जेटली जी का जो आज का बजट है, आपको ऐसा कोई अजूबा उसमें नजर नहीं आया, बल्कि कई मामलों में तो आम आदमी जो है, मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, उसको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। अब 14% का सर्विस टैक्स ज़्यादातर वो व्यक्ति भुगतेगा जो बाजार में कभी होटल में खाना खाता है या दूसरी और सेवाओं को लेने की कोशिश करता है। कॉरपोरेट टैक्स को घटाने की बात की गई है, लेकिन इनकम टैक्स को जो है घटाने की बात नहीं की गई है। तो मुझे लगता है इन सब बातों के आधार पर अगर हम बजट का विश्लेषण करें तो जो बड़ी बातें हैं, बड़े दावे किए गए थे इस सरकार द्वारा, वो नहीं हो पाए। और आप जो पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस हालत में भारत की अर्थव्यवस्था एनडीए की सरकार को मिली है, और अर्थव्यवस्था को चलाना जितनी बड़ी चुनौती रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे अर्थ जगत के इतने बड़े जानकार हिंदुस्तान में होते हुए भी हमें दिक्कत आई है, और जहां सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने एक गहरा गोता लगाया था, वहां हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने ऐसा गोता नहीं लगाया था। वो इसलिए नहीं लगाया था कि हमने कड़े वित्तीय अनुशासन को पालन करने की कोशिश की थी। उसी अनुशासन को बनाते हुए इस सरकार का जहां तक मैं देखता हूं कि जोर इस बात पर है कि कैसे आमदनी को बेहतर किया जाए, और एक जो पतली रस्सी पर चलने की कोशिश है, इस तरफ से उस तरफ संतुलन को बनाते हुए उस पतली रस्सी पर चलने की कोशिश को दम साध कर करने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है। सर्विस टैक्स बढ़ेगा, सेस बढ़ेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, तो इससे अच्छे दिन कैसे आएंगे? देखिए, इसमें सरकार का मुनाफा बढ़ेगा, और जो आम आदमी अपनी जेब से खर्च कर रहा है, नौकरी पेशा आदमी जो पहले इनकम टैक्स तो दे ही रहा, उसके अलावा ये सारे टैक्स मिलाकर उसको लगभग 50% तक पैसा अपनी जेब से देना पड़ जाता है, ये बात सही है। लेकिन दूसरी ओर थोड़ी सी राहत इस बात में देखी जा सकती है कि जो 15,000 रुपये की सीमा थी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उसको 25,000 कर दिया गया, और बुजुर्गों के लिए सीमा 30,000 है। तो इन छोटे छोटे जो उपाय हैं, उनसे कुछ लाभ तो मध्यम वर्ग को मिलेगा, लेकिन जिस तरह का लाभ देखने की कोशिश मध्यम वर्ग कर रहा था, वो नहीं मिला है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पे 800 रुपये पहले मंजूर किए जाते थे, वो अब 1600 कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में ये थोड़ी विसंगतियां हैं, ये थोड़ी अव्यवहारिक बातें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। जब आप इनकम देख रहे हैं और उस इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं, तो आपको एक्सपेंडिचर भी देखना चाहिए। आज के जो महंगाई का समय है, जो दाल तेल के भाव बढ़े हैं पिछले एक दशक के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो लगातार मांग आ रही थी कि 2.5 लाख तक की जो छूट है, उसको 3 लाख कर दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उसकी उम्मीद थी मध्यम वर्ग को, और वो नहीं हो पाया है। जैसा कि दावा है कि फिर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसमें कितना दम है? उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को जो राहत दी है, वो इस उम्मीद में ही दी है कि उस कॉरपोरेट सेक्टर को दी गई राहत से जो निवेश होगा, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी उम्मीद में पहले भी सरकारें कॉरपोरेट को छूट देती आई हैं। ये एक लंबी बहस का विषय है कि जो सब्सिडी के नाम पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये हिंदुस्तान में दिए जाते हैं गरीब वर्ग को और किसानों को, उसके मुकाबले वो 36 लाख करोड़ रुपये जो कॉरपोरेट सेक्टर को दिए जाते हैं, उसमें कमी की कहीं बात नहीं होती, और गरीब की सब्सिडी कम करने की बात होती है। इस बहस को तमाम जो आर्थिक विशेषज्ञ उनके बीच से चलकर होते हुए देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि इस संतुलन को बनाना एक मुश्किल कवायद है। उसका कोई सही नतीजा आर्थिक विशेषज्ञ अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन
जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी और जो कॉर्पोरेट का बोझ है उसको कम किया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे इस उम्मीद में किया, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई तो हमको ये पता नहीं लग पाएगा कि इससे जो रोजगार में ट्रांसलेट होना था वो हो पाया कि नहीं। गरीब और किसानों को कितना फायदा मिलेगा इस बजट से? देखिए, इसमें ऐसे सीधे तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मनरेगा में उन्होंने अपने निवेश को जारी रखा है। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे सदन में नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने कहा था कि मनरेगा को हम कांग्रेस की विफलताओं के स्मारक के रूप में बनाए रखेंगे और उसको बंद नहीं करेंगे। उसमें एक उन्होंने व्यंग किया था, चुटकी ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे लोगों का शहर की तरफ पलायन रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा उपक्रम होना चाहिए जो मनरेगा जैसा हो। इसलिए मनरेगा में उन्होंने अपना निवेश कायम रखा है, तो हम सोच सकते हैं कि उस निवेश के माध्यम से वो जो गरीब वर्ग वहां पर गाँव में है उसको अभी भी रोजगार, जो मिनिमम गारंटी बात की गई है रोजगार की और वेजेस की, वो उनको मिलता रहेगा। लेकिन उसकी विसंगतियां हैं कि जो लोग हैं ही नहीं, जो लोग इस धरती पर नहीं उनके से भी मनरेगा के कार्ड बने हुए हैं, उनको पैसा मिल रहा है और उसमें जो खाते किसी और के खाते में पैसा जमा होना था किसी और के खाते में पैसा जमा हो गया। मुझे लगता है इन विसंगतियों का जवाब इसमें नहीं है, लेकिन इसकी एक बड़ी उल्लेखनीय बात मैं ये कहूंगा कि जिस काले धन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, काले धन को वापस लाने को लेकर बहुत सारे दावे हुए, चुनाव में भी दावे, और उसके बाद मोदी सरकार ने लगातार हमले झेले कि आपने दावे तो किए थे लेकिन आप काला धन वापस नहीं लाए। प्रत्यक्ष तौर पर जो अभी काला धन जमा है बाहर की बैंकों में, विदेशी बैंकों में, उसको सीधे सीधे लाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि द्विपक्षीय समझौते हैं हमारे उन देशों के साथ और उन समझौतों की वजह से बहुत सारी जानकारियों का आदान प्रदान उतनी आसानी से नहीं हो पा रहा जितनी आसानी से होना चाहिए। लेकिन आज के बजट में जिस तरह की बातें उन्होंने सामने रखी, उस काले धन को अब आगे और काला धन बाहर जाके जमा हो इसको रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए, ये मैं मानता हूँ कि विदेशों में जो खाता खुलेगा उसकी सही जानकारी होना चाहिए। विदेशों में खाता खोलने को और कठिन किया गया है, यदि आपने जरा सा भी पैसा छुपाया है तो मूलधन पर 300% तक की पेनल्टी लगाने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि काले धन को रोकने की दिशा में जरूर कड़े कदम इस बजट में दिखाई देते। तो क्या इससे काला धन वापस भी आ पाएगा? वापस आने की कवायद इसमें नहीं है, बजट के माध्यम से आ भी नहीं सकता। उसको वापस लाने के लिए SIT का गठन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। काले धन में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विदेशों में यदि पैसा जमा भी हुआ है तो क्या वो सारा का सारा पैसा काला है कि नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। 200-250 लोगों की फेरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा की जा चुकी जिनके विदेशों में अकाउंट है, पर केवल अकाउंट हो जाने भर से उस धन को काला नहीं मान लिया जाता। दूसरा, अगर ऐसा धन है जिसको कमाया गया लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया तो उस पर वैसे 30% बनती थी आपको, देय था टैक्स, लेकिन 30% आपने नहीं दिया तो पेनल्टी लगा के भी आप कितना टैक्स देंगे? जो टैक्स देंगे उसके अलावा जो धन है वो तो काला नहीं है। इसलिए इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। मुझे लगता है काला धन भारत में वापस लाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको एक महज चुनावी जुमला बना दिया गया है, लेकिन सरकार ईमानदारी से इसको लाने की कोशिश करती है तो इस सरकार के नंबर जरूर बढ़ेंगे। धन्यवाद जयदीप जी, हम उम्मीद करें अच्छे दिनों की। अगली कड़ी में फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।